ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलक नंबर टू तो देखिये फिलिम ब्लैंक नंबर टू है जो कि यहां पर है हमें उसके लिए पैराग्राफ एंड फाइंड द राइट आंसर स्टीम शिप्स वर फर्स्ट डैश टू दूनाइटेड स्टेट इन एटीन हंड्रेड से लेट एटीन हंड्रेड थर्टीजन ऑफ स्टीम वेसल्स वर इन डैश ट्रेवलर डैश ट्रांसपोर्टेशन इन कम्फर्टेबल फैसिलिटीजेट कोच ट्रेवल विच एट बेस्ट कुड बी डिस्क्राइब तो देखिए पैराग्राफ को पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि स्टीमशिप की बात हो रही है कि कैसे उन्हें सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में यूज किया गया और 1830 तक आते आते डजन ऑफ स्टीम वेसल्स वहां पर मौजूद थे और ये ऑफर करते थे ट्रेवलर्स को ट्रांसपोर्टेशन एंड कंफर्टेबल फैसिलिटीज तो यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा सेकेंड फिलिप्स uh, के लिए ए ट्रांजिट बी स्टैंड सी यूज डी मूव तो देखिए बाय द एन बाय द एटीन थर्टीज डजन ऑफ स्टीम वेसल वर इन ट्रांजिट स्टैंड यूज और मूव तो यहां पर जो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा देखिए यूज बात की जा रही है शिप के इंट्रोडक्शन की पहली लाइन में शिफ्ट को इंट्रोड्यूस करा गया और उसके बाद इन शिफ्ट को यूज किया जाता था यूज में थे वो ट्रांसिट का मतलब देखिए क्या होता है इसका मतलब होता है कैरी पीपल और थिंग्स तो देखिए जो शिप थे वो हर समय तो लोगों को कैरी नहीं कर रहे थे इसलिए ट्रांजिट की यहां पर जो सेंस है वो करेक्ट सेंस नहीं है स्टैंड दिस इज आल्सो इनकोरेक्ट यूज इज द मूव जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या होगा ऑप्शन सी क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट काउनलोड करें कीज़े डाउट नेटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर